मसाले जो देखिए वो करके तैयार हो गए हैं। अब हमने इसमें जो भी टमाटर काट के रखा हुआ था वो ऐड करना है। ये देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले जो कि हमने तैयार किए हुए थे घोल करके। मसाले को आपको अच्छे से पकाना है। ये देखिए हमारी सब्जी थोड़ी भुन गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से जैसे आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने अभी इसमें एक गिलास पानी डाला है और ये हमारी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। हमने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया है गार्निशिंग के लिए और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी कटहल की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। इसके ऊपर हमने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अब आप इसको गर्मा गर्म सर्व करिए। पराठे या रोटी किसी के साथ भी आप इसको खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।